पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव की सांसद बनते ही मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पप्पू यादव पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुफस्सिल थाने में 10 जून को FIR दर्ज कराई गई है। रंगदारी मांगने के मामले में एक फर्नीचर व्यवसायी ने थाने में लिखित शिकायत दी है। आवेदन में कहा गया है कि 2 अप्रैल 2021 को राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की ओर से 10 लाख रुपए रंगदारी टैक्स मांगी गई थी। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया गया कि साल 2023 में दुर्गा पूजा के दौरान मोबाइल और व्हाट्सएप कॉल पर 15 लाख रुपए और 2 सोफा सेट मांगने के साथ साथ धमकी और गाली गलौज की गई थी। फर्नीचर व्यवसायी ने लिखित आवेदन में कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव के खास आदमी अमित यादव ने फोन किया था। 5 अप्रैल 2024 को मोबाइल पर करीब 10 से 15 कॉल कर पप्पू यादव के आवास अर्जुन भवन पर बुलाया गया था। साथ में 25 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई थी। फर्नीचर व्यवसायी ने यह भी कहा कि बीते 4 जून को दोबारा मोबाइल पर अमित यादव की ओर से धमकी दी गई। कहा गया कि 5 साल पूर्णिया में ही रहना है और 1 करोड़ रुपए नहीं दिया तो पूर्णिया छोड़कर जाने के साथ जान से मारने की भी उसे धमकी दी। उधर इस मामले में फर्नीचर व्यवसायी की शिकायत के आधार पर पूर्णिया के मुफस्सिल थाने में सांसद पप्पू यादव और अमित यादव पर केस दर्ज हो गया है। धारा 385, 504, 506, 34 के तहत मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 93/2024 दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इस पूरे मामले पर अभी सांसद पप्पू यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। खैर, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए ABP Live।